हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का मेरा टॉपिक है ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर जो मैंने खुद बनाया है। ये एक पीवीसी पाइप था, मतलब हम सभी के घर में कभी ना कभी बाथरूम का काम होता रहता है तो इस तरह से बच ही जाते हैं थोड़े बहुत टुकड़े, तो उसे मैंने ऐसे मेजरमेंट लेके काट लिया है। ड्रेनेज के लिए देखिए पीछे होल्स बनाए हैं और सामने यहाँ पे ये पता है बाइक्स वाले, ये मेरे कॉलोनी में हमेशा ये बैकग्राउंड नॉइज आपको झेलनी पड़ेगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये सामने मैंने होल्स करके ये हैंगिंग के लिए एक डोरी लटकाई है और ऊपर देखिए तार था मेरे पास, उससे मैंने हुक लगा दिया है जिससे ऐसे इसे हैंग करने में सुविधा होगी। तो चलिए अब हम इसकी पॉटिंग सॉइल इसमें डालते हैं और उसके बाद मैं इसमें दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या कटिंग लगाने वाली हूँ। चलिए, तो जब भी हम प्लांट जो भी हैंगिंग प्लांटर होता है उसका एक प्रॉब्लम होता है, ऊपर से पानी गिरता है, पानी के साथ साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी आती है। तो उसके लिए मेरा जो मैंने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा है वो है ये हमारा शॉपिंग बैग जो हमें मिलता है, जो एक्चुअली हम सोचते हैं कि कपड़े का है बट एक्चुअली ये कपड़ा नहीं है, ये नॉन वूवन, ये प्लास्टिक ही है शायद, आई थिंक प्रोपिलिन। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये N95 मास्क में भी ये यूज़ होता है, तो मतलब ये हवा तो आने जाने देगा लेकिन इसमें से कीटाणु नहीं जाएंगे, इसका मतलब हमारी मिट्टी नीचे नहीं आती है। तो पानी तुरंत ड्रेन हो जाता है लेकिन मिट्टी नीचे नहीं आती है। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मैंने इन्हें बहुत कलेक्ट कर करके रखा है। आजकल तो मिठाई के साथ कहीं कुछ शॉपिंग करने जाओ तो ये मिलता ही रहता है। अब तो मैं नीचे स्टैंड प्लांटर जो है उसमें भी मैं जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ यही लगा देती हूँ कपड़ा, जिससे नीचे से मिट्टी ना निकले। चलिए अब मैं इसकी पॉटिंग सॉइल बताती हूँ। ये है मेरी पॉटिंग सॉइल जिसमें ये मैंने लिया है कोकोपीट, ये मेरा होममेड कोकोपीट है जिसे मैंने घर पे ही बनाया है। इसका भी मैं आपको एक मेथड बताऊँगी, बता दूँगी एक दिन इसका वीडियो बना के। और ये है गार्डन सॉइल और इसमें है हमारा वर्मी कंपोस्ट जो हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, और ये थोड़ा सा मैं फंजीसाइड ऐड करती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में ही आप जब भी प्लांट बनाए थोड़ी सी फंजीसाइड ऐड कर दो ना, तो मैंने देखा है कि फिर बाद में ना कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से चलते हैं प्लांट्स। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक एक भाग लेके मिक्स कर लिया है बराबर बराबर, और इसमें अब मैं थोड़ा सा फंजीसाइड डालूंगी हाफ टेबल स्पून, और उसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी ये। और अब मैं इसको इस सॉइल को प्लांटर में भर के आपसे अभी दिखाती हूँ। मैंने ये अपनी सॉइल इस प्लांटर में फिल कर ली है, अब मैं आपको अपनी कटिंग्स दिखाती हूँ। ये है मेरी कुछ कटिंग्स वंडरिंग जू, और ये मैं किसी से मांग के लाई थी, ये भी वंडरिंग जू का एक, ये वंडरिंग जू की टाइप का एक मतलब वैरायटी है, जिससे कि मैं किसी से मांग के लाई हूँ ये कटिंग किसी के घर से, तो मैं इसे भी इसमें लगाने वाली हूँ। और ये मेरी जेट प्लांट, तो जो भी कटिंग मैं लगाऊंगी उन सब की मैंने नीचे से लीव सारी हटा ली हैं, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, टोटल मैस हो रखा है, इसके बाद क्लीन करना पड़ेगा। चलिए अब लगाते हैं एक एक करके। अभी ने मैं लगा के आप देखिए, अब इसमें मैं अपनी कटिंग्स लगा चुकी हूँ सारी, अब इसमें मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा कटिंग लगाने के बाद। ये एक्स्ट्रा वाटर सब नीचे से आ गया है, और जब थोड़ा सा मैं वेट करूँगी फिर इसके बाद इसकी जगह पे इसे मैं हैंग करने वाली हूँ। चलिए अब इसको हैंग करते हैं, हम इसे अपनी जगह पे, इसको मैंने हैंग कर दिया है यहाँ से, अब देख रहे हैं कितना सुंदर लगेगा कुछ दिनों बाद जब ये इसमें से ये लीव्स बड़ी होकर नीचे गिरेंगी तो कितना प्यारा लुक आएगा। तो ये मेरा प्लांटर रेडी है अपनी जगह पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।